महंगाई इतनी बढ़ेगी कि केले देखो 149 रुपीज़ का 1 kg। ये 200 रुपये किलो वाले केले छोटे छोटे, और 1 किलो में पता कितने केले आते हैं? हार्डली 5 और 6। अरे जी जी राजू भाई, भीड़ भीड़ भाई, भीड़ ही भीड़। मंडे नया वीक स्टार्ट हुआ फार्माकोलॉजी की, आज का लास्ट क्लास है मॉड्यूल 6 मतलब साइकिल 6 का, और एक लास्ट साइकिल बची है। फार्मा क्लास डन, आज सेकंड लास्ट साइकिल थी, मॉड्यूल 6 हुआ आज। डाइजेस्टिव हुआ और उसके बाद में फिर तुरंत सर ने मॉड्यूल लिया और अभी हम लोग घर जा रहे हैं। 1 घंटे में हो जाता सब कुछ, यू डायरेक्टली कम एंड दे गिव यू द क्वेश्चंस और आप सॉल्व करते हो। उसमें कुछ आप क्लासिफिकेशन लिखने पड़ते हैं, जैसे मेरे को आया था डाइजेस्टिव एंजाइम का क्लासिफिकेशन और इंडिकेशन फॉर यूज, तो मैंने उसमें लिखा थी माउथ के बेसिस, माउथ में, पैंक्रियाज में, इंटेस्टाइन में, तो सलाइवरी एम एल ए सी वो पे प्रोटीएसिस स्टमक वगैरह है। वैसे मतलब इंडिकेशन फॉर यूज़ मतलब, अगर इंडिकेशन फॉर यूज़ मतलब आप कब यूज़ करेंगे, तो ऑब्वियसली हम तब यूज़ करेंगे जब प्रॉपरली बॉडी उसको सीक्रेट नहीं, जब पैंक्रियाज प्रॉपरली डाइजेस्टिव अमाइस एंजाइम्स सीक्रेट नहीं करेंगे तब हम उसको यूज़ करेंगे। तो वो सब लिखी चीज़ें, उसके बाद फिर मॉडल हुआ। मॉडल में फिर 2 वेरियंट बनते थे, देखो मैं दिखा रहा हूँ, ठीक है, ये क्लासरूम है और ये फर्स्ट वेरियंट था, सेकेंड वेरियंट था। तो पहला वेरियंट मेरे को था कि रेस्पिरेटरी स्टिमुलेंट्स एजेंट्स यूज टू ट्रीट ब्रोंकियल अस्थमा और ड्रग्स फॉर ट्रीटमेंट ऑफ पल्मोनरी एडिमा। तो यहाँ जो बैठा था उसको वेरिएंट 1 सिंगल सिंगल, फिर 2, फिर 1 में वहाँ बैठा था, फिर 1, फिर 2, फिर ऐसे ही, ठीक है। अभी क्लास खत्म हो गया, सब बच्चे चले गए। महंगाई इतनी बढ़ेगी कि केले देखो 149 रुपीज़ का 1 kg। ये 200 रुपये किलो वाले केले छोटे छोटे, और 1 किलो में पता कितने केले आते हैं? हार्डली 5 और 6 छोटे वाले। संतरे 119 रुपये किलो, और नींबू के रेट अगर आप देखेंगे तो 150 रुपये किलो। वाओ, और ये वाले नींबू जो है ये 450 रुपये किलो है मित्रों। फिर आते हैं गोभी पे, गोभी यहाँ है 249 रुपीज़ की किलो, 250 रुपये किलो गोभी। ब्रोकली 270 रुपीज़ केजी। मशरूम 230 रुपये किलो, मशरूम सस्ते है, या मशरूम सस्ते है, ये पनीर से सस्ता मशरूम है, पनीर मतलब पनीर इसका डबल है। टमाटर अभी धीरे धीरे उतरेंगे नीचे 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 नीचे, और ये सांभर जैसा लग रहा है कि एग्जैक्टली सांभर नहीं, अलग ही पाला है ये। उसके बाद लहसुन, जो लहसुन का रेट चल रहा है अभी 499 रुपीज़, 500 रुपये किलो लहसुन। और अदरक चल रहा है, अदरक मतलब इम्बीर होता है, वो भी 500 रुपये किलो। तो लॉट ऑफ महंगाई ग्रेजुअली एकदम से ही। और ये 70 रुपये किलो आलू है मित्रों, 80 रुपये किलो आलू, और गाजर है 60 रुपये किलो गाजर, और प्याज है वो 50 रुपीज़ के जी, 50 रुपीज़ के जी। और यह है मछलियाँ, ये सब डेयरी का सामान है, तो उनको पता नहीं होगा इसमें पनीर को क्या बोलते हैं, पनीर क्या होता है, ठीक है, वो सिर मतलब चीज़ होता है। ये है सुलुगुनी,
सुलुगुनी, ठीक है, और इसके बारे में कुछ नहीं बताऊँ। जो पनीर है वो होता है अधिक इसकी सीर, ठीक है, अधिक इसकी सीर मतलब पनीर, ये आपका पनीर है, दिस इज पनीर अधिक इसकी सीर, और इस पनीर का रेट है ये 300 ग्राम है, ठीक है, 300 ग्राम ये 269 रुपीज़ का। इंडिया में 80 रुपये पाव पनीर है, मतलब 80 रुपीज़ में आता है अपने को 250 ग्राम, तो ये ऑलमोस्ट 24 पकड़ लो 2.5 से 2.7 टाइम पैकेट, क्योंकि 300 ग्राम में है ना, तो ढाई गुना ज़्यादा रेट है। सर्जरी की पहले साइकिल, बहुत ही स्पेशल साइकिल हमारे लिए। आज सर्जरी का हमारा पहला ऑफलाइन क्लास लगा। इसके पहले जितने भी सर्जरी के क्लास हुए थे उसमें से कोई भी ऑफलाइन नहीं लग पाया, क्योंकि एक बार जब क्वारंटीन चल रहा था, फिर सेकंड टाइम में बहुत सारे बच्चे जो है वो कोविड पॉजिटिव हो गए थे, तो फिर हॉस्टल क्वारंटीन था हमारा, तो उस टाइम में एक सर्जरी की साइकिल चलेगी। आज फाइनली ऑफलाइन लग रही है, हम लोग स्क्रब वगैरह लेके आए, देखने को देखते हैं अगर पहनने का मौका मिलता है नहीं। सर ने बोला कि पहनना है, ठीक, तो पहनेंगे, नहीं तो फिर एप्रन से काम चलाना पड़ेगा। और मैंने जैकेट अभी ये वाला ले लिया, मतलब ये वाला पहन लिया अभी, क्योंकि एकदम वो बड़ा जैकेट पहनने की इतनी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो बहुत हैवी भी रहता है ना, अनकम्फर्टेबल होता है मेरे को। ये वही बिल्डिंग है उलिस नारोदनाया, जहाँ पे अपनी इंटरनल की साइकिल लगती है ना, इंटरनल मेडिसिन की, वहीं पे सर्जरी की साइकिल लगती है। हॉस्पिटल है ये, जिन लोगों को पता नहीं, ठीक है, जो अपने पुराने व्यूअर्स हैं उनको तो पता है ये हॉस्पिटल है, ये हॉस्पिटल का एरिया उलित्सा नारोदनाया, ठीक है, उलित्सा मतलब स्ट्रीट होता है। आज हमारा फ्रैक्चर क्लास है, एग्जैक्टली वैसे ही चीज़ें रखी हुई है, ये बोन फ्रैक्चर्स, ठीक है, तुम्हारी कौन सी बोन टूटी, उसकी रिकॉर्डिंग फ्रैक्चर्स, उसके उसको फिक्स कैसे करना है, ठीक है, उसका रिपोजिशनिंग कैसे करना है, और फिर एक वो शौक अमीरों के होते हैं, गरीब लोगों का एक बार गाना इन्फिनिटी में एक बार है जुलिनी जिलिनी खरोशाय कंपनियां जिलिनी चिलिनी चिलिनी खरोशाय कंपनियां शालमिस काया इन्फिनिटी और ब्लैक हाउस कौन बना रहे हैं पांच क्या बोल रहा भाई ये सब चीजें तेरे इसमें अंधेरा क्यों बता रहे ये कॉर्पस के नीचे का ऊपर क्लास थी उस ऊपर के फ्लोर पे नीचे ये हॉस्पिटल है इधर यहाँ पेशेंट्स वगैरह नीचे हॉस्पिटल है बढ़िया धूप निकली है बाहर सॉरी मानशु घर से ही वो लोअर पहन के आए थे मैंने जीन्स डाल लिया था उसके बाद फिर मैंने जीन्स ही पहन लिया बैग में लाया मैंने लोअर वहाँ चेंज करने के लिए जगह होती है चेंज कर लेना तुम लोग थर्ड हॉस्टल है थर्ड हॉस्टल सीनियर्स का हॉस्टल यहाँ पे सब सीनियर्स रहते हैं थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स ईयर के मतलब थर्ड ईयर के कुछ बच्चे रहते हैं फोर्थ ईयर कुछ रहते हैं और फिफ्थ और सिक्स ईयर भी पूरे रहते हैं ऑलमोस्ट और ये फर्स्ट ईयर के बच्चे शायद ही 12:30 बजे अभी और आधा घंटा बचे मेरा ग्रुप है एक साथ चार पाँच ग्रुप की क्लास होती है और फिर हम लोग अभी कोई है नहीं तो खेलने लगे आज वॉलीबॉल की नेट तो लग गई शायद से खेलने मिल जाएगा देखते हैं भाई अभी लग पे है भाई ये बंद ये जो रेड वाले टी शर्ट है उनने लगाई है नेट अरे मेरा ग्रुप आया उनका हमारा क्लास जल्दी छूटा था हम लोग रुके हुए अभी फिजिकल का लास्ट क्लास था आज मेरे को पता नहीं था और आज हमको वॉलीबॉल खेलने मिला और अभी हम लोग घर जा रहे हैं हमारे जो अत्राबोध का वगैरह थे कुछ कुछ जो क्लासेस एक दो छूटे थे वो बताया मैम ने कि ये क्लास छूटी बस क्या
सर्जरी का सेकंड क्लास था आज, बर्न्स टॉपिक था, तो कॉम्प्लिकेशन था बर्न्स। पहले एमसीक्यू लिया, उसके बाद में फिर थियरी, एटियोलॉजी एंड पैथोजेनेसिस आज था, कल ट्रीटमेंट था, क्लिनिकल सिम्टम्स। क्लिनिकल सिम्टम्स जे मैं सानू छड़ गई हां नी तू अलड़े जदों तेनू कोई छड्डूगा तां पता लगूगा।